बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वाखान कॉरिडोर। आप सबको मालूम ही होगा कि वाखान कॉरिडोर कहाँ पर है, क्यों ये इतना ज़्यादा अहम है। इसे गोल्डन बर्ड कहा जाता है, सोने की चिड़िया। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। ये पाकिस्तान के हवाले से क्यों इतना अहम है, हम उस हवाले से बात करेंगे। क्या पाकिस्तान इसको खरीदने जा रहा है, कुछ खबरें ऐसी भी थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मोहम्मद दिलाल इफ्तिखार खान साहब, CEO स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी खैरियत से। सर वेलकम बैक, आप बहुत दिन जो थे वो आप गायब रहे हैं, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं वापस। सर बताइएगा कि वाखान कॉरिडोर बहुत ज़्यादा आम है, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा आम है, इसे गोल्डन बर्ड कहा जाता है, सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं। सर इसकी इतनी लोकेशन इतनी आम क्यों है और इसे ये गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता है? बात यह है कि वाखान बेल्ट को पहले मैं आपको डिफाइन करता चलूँ कि ये पाकिस्तानी नॉर्थ के अंदर वाक़ है और इसके साथ पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसमें चित्राल और जो का एरिया है और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इसके साथ लगती हैं। वाखान बेल्ट की इम्पोर्टेंस के लिए इतना ही काफ़ी है कि एंशिएंट ज़माने से यानी कि पुराने ज़माने से जो हम एक सिल्क रूट या रेशम शाहराह रेशम की जो बात करते हैं तो ये एक एंशिएंट शाहराह रेशम का रूट है। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि मार्कोपोलो के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इसी रूट से चीन के अंदर जो है वो दाखिल हुआ था। जो जब हम वाखान की बात करते हैं तो ये तकरीबन 350 किलोमीटर जो है तवील है, जबकि इसके जो विड्थ अगर आप देखें वाइड तो ये 13 से 65 किलोमीटर जो है ना, बाद मकामात पे सबसे ज्यादा जो है जो इसकी विड्थ हमें मिलती है वो 65 किलोमीटर और कम से कम 13 किलोमीटर है। पॉपुलेशन इसकी लेटेस्ट अंदाजों के मुताबिक तो तकरीबन 15,000 किलोमीटर जो इसकी 15,000 जो है इसकी पॉपुलेशन है, यानी कि आबादी जो है वो 15,000 नफूस पे मुश्तमिल है। यहाँ पे जौन सी दो बड़ी कौमें आबाद हैं इस छोटे से खिते के अंदर, जिसके अंदर आपके करगेज आ जाते हैं। आप जानते हैं कि करगेज जो है ये तुर्क और मंगोलियन रेस है। इसके अलावा वाखीज हैं जो इस्माइली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक जो है काफ़ी हुंजा के साथ जो है पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो है ना, इनका मजहबी और नस्ली काफ़ी जो है ताल्लुक है। इसकी अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन की तरफ जाएं तो आप इसके नॉर्थ के अंदर देखेंगे कि ताजिकिस्तान है, साउथ के अंदर पाकिस्तान है और जो अफगान सूबा बदख्शा जो है उसका ये हिस्सा है और इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है चाइनीज एरिया आ जाता है और चाइना वहाँ पे आपको पता है वकी पास जो है उसको भी टनल बना रहा है ताकि जब ये एक्टिवेट होता है तो चाइना से ट्रैफिक इधर है। और आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊँ कि वाखान जब हो जाता है एक्टिवेट तो बेसिकली ये सेंट्रल एशिया को जोड़ेगा हमारी KKH के साथ, चाइनीज साइड जो KKH उसके साथ जो है ना ये। अच्छा, इसके ऊपर हमेशा से जो तौर पे हमारे साथ जो एक मुल्क बैठा हुआ है जिसकी हमसायगी हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी इस पे काफ़ी नज़र रही है। 2013 के अंदर चिदम्बरम ने सिविल सर्वेंट्स को कहा था कि हमारे साथ इंडिया की जो है अफगानिस्तान से तकरीबन 144 किलोमीटर जो है सरहद मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, क्योंकि उसने क्लेम किया था बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। और आपको याद होगा कि 5 अगस्त का जब वाक़या पेश आया उसके बाद जो है यही बात जो है अमित शाह ने भी कही थी और बहुत से लीडर इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ख्वाहिश ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे आप जानते हैं कि वो क्लेम करते हैं, इलीगल क्लेम है उनका। वो चाहते हैं कि इधर से वाया वाखान जो है वो जो एक वो ट्रेड का चौक बनता है या हब बनता है उसके ऊपर कर लें। चाइनीज आपको पता है BRI मंसूबा इस वक्त जो चाइना के दुश्मन है उससे बड़े खाइफ हैं, क्योंकि चाइना अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, ट्रेड के जरिए और लोगों की मुख्तलिफ ममालिक की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए जो उसने मंसूबा बनाया जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है, उसके अंदर ये वाखान जो कॉरिडोर है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। क्योंकि एक तरफ तो आप देखते हैं कि चाइना जो रूट बना रहा है जिसके अंदर नेपाल भी शामिल हो चुका है और आप जानते हैं कि सीपेक की तरह का एक मुआहदा उन्होंने म्यांमार के साथ भी किया है। तो एक रोड वो आएगी जो लद्दाख से होती हुई जो है कराकुरम पास से होती हुई जो है ये वाखान के जरिए सेंट्रल एशिया, फिर यूरो एशिया और फिर जो है यूरोप की तरफ निकलेगी। दूसरी तरफ हमें ये भी है कि जो सेंट्रल एशियन रियासतें जो हैं वो वाखान कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए या इसके अलावा अल्टरनेट रूट भी हैं, मसलन ताजिकिस्तान के लिए वो कराकुरम हाईवे को हिट करेंगे और कराकुरम से होते हुए ग्वादर और हमारी बंदरगाहों से वो माल दुनिया की सर आपने लोकेशन के बारे में बात की, जरा लोकेशन के बारे में, लोकेशन क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा अहम है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से बिल्कुल सीधा आप निकले तो चाइना है और पाकिस्तान के बिल्कुल सामने जो है वो ताजिकिस्तान है। सर कितना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान की ट्रेड के लिए आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आराम से निकल सकता है, ताजिकिस्तान भी आराम से आ सकता है और चाइना भी आराम, हालांकि चाइना हम वैसे भी अब आराम से जा सकते हैं, हमारे पास और भी काफी रास्ते हैं जाने को, लेकिन ये कितनी अहम तीन लोकेशन है। ये लोकेशन की अगर आप अगर देखें तो कितना अहम लोकेशन है ये। चाइना के लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है, अभी एक रास्ता और चाइना बना रहा है आपको, जिसकी तरफ मेरे ख्याल में आपने इशारा भी किया है, जो स्कर्दू की साइड से गिलगित से एक नया रास्ता जो है कराकुरम पास से जो वो निकाल रहे हैं और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एंटर होगा। तो सेंट्रल एशिया के अंदर ताजिकिस्तान आपको पता है बड़ा मुल्क है, उसके साथ उज़्बेकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क आ जाता है, तुर्कमानिस्तान, बहुत से और ममालिक हैं बड़े जिनको जो गर्म पानी है यानी कि जो हमारा सी है उस तक पहुंचने के लिए इसका रास्ता मिल जाएगा। दूसरी तरफ श्रीलंका या दूसरे जो साउथ के ममालिक हैं उनके लिए भी वाया ग्वादर जो है सेंट्रल एशिया तक अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाना, रशिया तक प्रोडक्ट्स पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप और मैं अक्सर जिक्र करते हैं ग्रेटर यूरो एशियन पार्टनरशिप की, जो रशियन प्लान है जो कॉम्प्लीमेंट करता है BRI को। तो वाखान की डेवलपमेंट और वाखान के अंदर जो है अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अमन की राह पे कायम है। कल जो है जिस पावर ने इसे 20 साल तक ऑक्यूपाई किया रखा, उसी के जो इंटेलिजेंस चीफ है CIA का विलियम बर्न्स जो है उसने जो है कल मुलाकात भी की मुला ब्रादर के साथ। तो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि आगे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान साउथ एशिया की कनेक्टिविटी जो है ना वो बढ़ेगी, सेंट्रल एशिया की साउथ एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक बड़ा जबरदस्त किस्म के रूट्स जो है ना वो इमर्ज करेंगे, जिसकी वजह से पूरा खिता, पूरा सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया, चाइना तो खैर इस चीज़ को बना रहा है। चाइना की तो ये एक मैं कहूँगा कि एक जिस तरह एक अल्लाह ताला ने बड़ा मुल्क बनाया है, उसी तरह एक बड़ा दिल भी दिया हमारे चीनी भाइयों को, दोस्तों को, कि वो तमाम ममालिक को अपने फ्लैगशिप जो है जो प्रेजिडेंट जी का ब्रेन चाइल्ड है उसके तहत सबको मिला रहे हैं। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि वाखान, ये वाकई जो मैंने आपको पास का कहा, वाखी पास जो है बेसिकली जब इसकी टनल बन जाती है, रूट बन जाता है, तो चाइना एंटर हो सकेगा वाखान के अंदर और वो BRI फिर आगे की तरफ जाएगी। आप जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट ताजिकिस्तान के अंदर चाइना भी कर रहा है, बल्कि आपका हमसाया जो फिर मैं कहूँगा कि जो भारत है, जो पता नहीं किस वजह से पूरे खित्ते में वाहिद मुल्क बना हुआ है जो इस वक्त डेवलपमेंट और पीस की तरफ जाने की बजाय गंद डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो आप देखें वो भी शामिल अगर इसमें हो जाता है तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। लेकिन वो जो एक हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी लेके मोदी आया हुआ है, जो एक वो महाभारत का उनका सपना है, वो पूरे के पूरे खित्ते को ख़राब करना चाह रहा है और उस खराबी के रास्ते में जो चट्टान है वो चाइना बन के आया हुआ है। तो आगे बहुत ज़बरदस्त हालात बन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड की, और आप देखें इसमें रशियंस भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस, और चाइना भी जिस तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, और चारों जो पांचों हमसाये हैं अफगानिस्तान के, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो कुछ आगे मिरेकल होने वाला है ट्रेड का, कंपैशन का और दोस्ती की वजह से, उसकी वजह से हमारा ये पूरा खित्ता जो है ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप भी होगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तरक्की भी आएगी। जी सर, एक और सवाल, शायद आपने भी सवाल देखा हो, वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाखान को खरीदने जा रहा है, कोई ऐसी कोई चीज़ है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस टॉपिक के हवाले से गूगल किया तो मैंने जब नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे एक सवाल नज़र आया, कैन पाकिस्तान बाय वाखान? तो सर क्या वाकई पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर लेने का सोच रहे? देखो हमारे भाई ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान का वो हिस्सा है, हमारा दोस्त मुल्क चीन और जो है अफगानिस्तान और हम पाकिस्तान और रशिया हमारे दोस्त जो हैं, रशियन हमारे दोस्त, उसके अलावा सेंट्रल एशियन के दोस्त, हम इसे डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान को खरीदने की ज़रूरत भाई के मुल्क के अंदर है। मेरा नहीं ख्याल कि ना अफगानी से बेचेंगे कभी, और ना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कोई ऐसी बात करेगा। हाँ, हम मुआहिदा, जब ट्रेड का मुआहिदा हो जाता है तो हम उसे यूज़ करेंगे, और हमारे अफगान दोस्त जो हैं वो उसको प्रोटेक्शन देंगे, और हमारे ताजिक और बाकी जो दोस्त हैं, क्योंकि आप देख लो कि अगर वाखान कॉरिडोर दरमियान में ना हो तो ताजिकिस्तान पाकिस्तान का हमसाया बन जाता है। और इंडिया भी यही चाहता था, जो इंडिया का प्लान है और जिसके बारे में अगर वो कोई गलती करता है तो बड़ी उसे मुँह की खानी पड़ेगी। लद्दाख से ज़्यादा बुरा उसका हाल होगा, जो वो गिलगित बल्तिस्तान पर गंदी नज़र रखे हुए है। उनका यही ख्याल है ना कि इधर से, क्योंकि ट्रेड इधर से है, सब कुछ इधर से, ये दुनिया का पुराना तरीन ट्रेड रूट है, तो वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना चाहते हैं, ताकि एक तो वो KKH को काट लें, दूसरा उनको एक्सेस मिल जाए, जो पाकिस्तान नहीं फिलहाल दे रहा। पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ हम जब दोस्ती का हाथ, अच्छाई का हाथ बढ़ाते हैं तो आपको पता है दोवल जैसे बदमाश जो हैं वो आके स्क्रीनों के सामने पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। उनका वो जो गौरव जोकर आर्या है, उसके अगर आप प्रोग्राम देख लें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि पंशेर के अंदर भी बेसिकली जो वो इंस्टिगेट कर रहे हैं अहमद मसूद को, और जो अमरुल्ला साले उनका एजेंट वहां पे बैठा हुआ एक बगावत इकट्ठी करना चाह रहा है, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इसी उबोर के खिलाफ, उनकी जो एक साजिश और बोगज है, और ग्रेटर यूरो एशियन जो पार्टनरशिप है रशियंस की, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उस मकाम पे पहुंच जाए जहाँ पे इंडिया जो है वो आगे बैठा हुआ है, उसकी कहीं पे चले ना, और उनका जो खाब है कुछ ऊपर, यानी कि पूरे एशिया के ऊपर। आप कभी इनका मैप उठा के देखें ना, ये जो हिंदुत्वा वाले हैं ये क्लेम करते हैं अफगानिस्तान से लेके वियतनाम तक अपनी टेरिटरी कि ये महाभारत है। तो आप समझते हो कि जिनकी ऐसे डॉगमाज में जो पड़े हों, जो ऐसी जो चीज़ों के अंदर पड़े हों, वो कभी चाहेंगे कि यहाँ पे बेहतरी है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ जो हम करते हैं, आप जानते हो कि अभी जो पहली रजीम थी किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कंपैक्शन से दिया। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के करीब इस वक्त अफगान पाकिस्तान में बैठे हुए। पाकिस्तान ने उनको, उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं वो तो गैर रजिस्टर्ड हैं, इलीगल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उनको इज्जत दी, उनको जॉब दी, और उनको अपने मुल्क के अंदर वैसे ही रहने दिया जैसे कि वो अपने मुल्क के अंदर रहते हैं। तो इंडिया एज अ स्पॉइलर का काम जरूर करना चाह रहा है। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वाखान खरीदने की बात करे। इंशाल्लाह जिस कॉपरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस भाईचारे की तरफ कितना जा रहा है, उसके अंदर आगे बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल है। जी सर, बिल्कुल जिस तरफ हम जा रहे हैं, खित्ते के अमन की तरफ हम गामजन हो चुके हैं, खित्ते की तरफ हम जा रहे हैं कि खित्ता जो है वो ट्रेड के लिए खोल सके। जब भी इस खित्ते के अंदर अमन होगा तो मैं आपको ये बड़े गारंटी से कह सकता हूँ, यहाँ पर सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया कोई शायद कोई एयरलाइन भी चल पड़े, कोई ट्रेनें भी यहाँ से चलना शुरू हो जाएं। यहाँ पर अमन जब हो तो क्या पता यहाँ पर बॉर्डर्स भी खोल दिए जाएं, मजीद जो है वो एक अब हम देखेंगे एक अच्छी फिजा बन जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये खित्ता जो है थोड़ा पीछे रह गया कुछ मामलात की वजह से, कुछ टेररिज्म की वजह से। तो अब वक्त आ चुका है अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, अफगानिस्तान के अंदर से अमन आएगा तो वैसे ही ये खित्ता जो है खुलना शुरू हो जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, इन तमाम ममालिक के लिए। ये जब चीज़ें सारी खुलेंगी तो बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।